नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आज की खास खबर में हम जानेंगे पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के खास बातों के बारे में। जी हां, विधानसभा चुनाव की आहट होते ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वैसे तो मुख्यमंत्री चुनावी साल में खासी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा किसी भी कीमत पर फिर से आगामी चुनाव में सरकार बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री का हौसला बढ़ाने और प्रदेश में खिले हुए कमल की ताजगी बरकरार रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की जनता को विभिन्न सौगातें दी। कुछ देर में नेहरू स्टेडियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा शुरू होने वाली है और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर पब्लिक बढ़ती जा रही है, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अभी महिलाओं की भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर इंदौर के आसपास धार, झाबुआ, सारंगपुर, शाजापुर, सुजालपुर सहित तमाम शहरों से हजारों की संख्या में महिलाएं आई है। हम यहाँ पर आई कुछ ऐसी महिलाओं से बात करेंगे जिन्होंने शिवराज सरकार और मोदी सरकार के इस राज में कई योजनाओं का लाभ लिया है, जो यहाँ पर कई घंटों पहले आकर अपनी सीट संभाल चुकी है। तो आप बताएं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमको पीएम आए हैं मोदी से मिलने, तो उन्होंने अच्छा लाभ हमारा दिया। हमारा क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? हमारे को बच्चों को फीस, स्कूल का फीस फ्री मिला है, हमारा खाने जाने के लिए फ्री मिला है, कंट्रोल का अनाज फ्री मिला, 1 रुपये किलो अनाज मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 रुपये किलो अनाज मिलने की खुशी में और कंट्रोल से सस्ते अनाज मिलने की खुशी में महिलाओं की अपार भीड़ यहाँ पर आ रही है। आप बताएं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर है ना मोदी जी को धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। उन्होंने गरीबों की बहुत सारी सेवा की है और हम भी चाहते हैं कि मोदी जी बहुत सेवा करें हमारी और इस देश को नंबर वन बनाए। धन्यवाद। जैसे आप समझते हैं कि इंदौर शहर नंबर वन की श्रेणी में है अभी, तो आप इसका श्रेय मोदी सरकार को देते हैं या शिवराज सरकार को देते हैं? दोनों को। तो हम देख सकते हैं धार से यहाँ पर महिलाओं का एक जत्था आया हुआ है। धार से करीब सैकड़ों बसें यहाँ पर आई है भरकर, जहाँ पर जिसमें महिला, बच्चे, बूढ़े और सभी वो लोग हैं जिन्होंने योजनाओं का लाभ लिया भी और नहीं भी। इसी तरह आप बताएं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सर, मोदी जी को धन्यवाद देने आए हैं हम, क्योंकि पहले कच्चे मकानों में रहते थे। मोदी जी जब से आए हमें पक्के मकान मिल गए, शिक्षा अच्छी मिल गई हमारे बच्चों के लिए, लड़कियां हैं मेरी तो लड़कियों के लिए भी पढ़ाने के लिए आगे तक के लिए मेरे लिए सहूलियतें मिली हैं, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद बोलने के लिए आई हूँ। की और शिवराज सरकार की इन नीति से कितने खुश है लोग, ये आज देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। करीब 3:30 बजे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विशाल जनसभा को, करीब 35,000 लोगों को संबोधित करेंगे और प्रशासन भी अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हालांकि रात से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, यहाँ पर भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर सारी कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन 1 घंटे बाद अब यहाँ पर एक हिस्सा स्टेज का पूरा, स्टेज के सामने का पूरा भर चुका है। जो महिलाएं यहाँ पर बैठी है, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की, शिवराज सरकार की योजनाओं से खुश है, शिवराज सरकार की योजनाओं का गुणगान कर रही है यहाँ की महिलाएं। इससे देखने को मिल रहा है कि मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी को देखने के लिए किस तरह भीड़ यहाँ बढ़ रही है। महिलाओं में यहाँ पर बड़े बच्चों के साथ बुजुर्ग भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सतीश शर्मा, इंदौर, न्यूज 29 इंडिया। सबसे पहले पीएम मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 3800 करोड़ रुपए की लागत से बने मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में राजगढ़ में 3 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। राजगढ़ के लोगों ने पीएम का जोरों शोरों से स्वागत किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से इंदौर पहुंचे। इंदौर विमानतल पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान, इंदौर महापौर मालिनी गौड़, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर निशांत वरवड़े और डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने पीएम की अगुवाई की। देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल से पीएम के साथ 40 से अधिक कारों का काफिला नेहरू स्टेडियम के लिए निकला। मोदी के स्टेडियम जाते समय वीआईपी रोड के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में खड़े रहकर काले रंग की रेंज रोवर कार में सवार अपने पीएम का लोगों ने अभिनंदन किया। पीएम के स्वागत में शहर में नंबर वन इंदौर और भाजपा के झंडे लगाए गए थे। पीएम मोदी सभा स्थल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां मोदी की एंट्री होते ही स्टेडियम में मौजूद लोग हर हर मोदी चिल्लाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम स्थित स्मार्ट सिटी व विभिन्न योजनाओं के चित्रों का अवलोकन किया। पीएम के स्वागत के बाद सबसे पहले राज्य मंत्री माया सिंह ने अपने उद्बोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यों की तारीफ की। इसके बाद आवासीय स्वतंत्र राज्य मंत्री हरदीप सिंह ने इंदौर के ब्रिलियंट सर्वेक्षण में 14 शहरों को 41 स्वच्छता अवार्ड दिए। हरदीप सिंह ने तीसरे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण में 73 शहर लिए गए थे, 2017 में 430 शहर और इसके बाद 2018 के फरवरी माह में 4032 शहरों को इसमें शामिल किया गया। हरदीप सिंह के बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, पेयजल योजना एवं कई योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके बाद स्मार्ट सिटी पर एक फिल्म भी दिखाई गई। तत्पश्चात मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक इनॉग्रेशन किया, जिसमें छिंदवाड़ा में 2, बुरहानपुर में 2 योजनाएं, जबलपुर में 3 योजनाएं, पीएम अमृत और स्मार्ट सिटी उज्जैन में 2, सिंगरौली में 1 पीएम आवास योजना, रतलाम में भी 1, होशंगाबाद में 2 पीएम और अमृत योजना, डिंडोरी में शहरी पेयजल योजना, धार के धर्मपुरी में भी शहरी पेयजल योजना, कटनी में 1 योजना, भोपाल में 4 योजनाओं में यातायात, अमृत, स्मार्ट सिटी और पीएम योजना शामिल थी। इसी तरह भिंड में अमृत और परिवहन योजना, छतरपुर के बिजावर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही सीहोर में अमृत और सीवरेज योजना, शहडोल के बेवहारी में स्वच्छ जल योजना, इंदौर के अमृत योजना, शहरी स्मार्ट सिटी सहित कई अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ पीएम ने किया। इन योजनाओं के बाद पीएम ने स्वच्छता के लिए इंदौर को पहला, भोपाल को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा अवार्ड दिया। साथ ही देश में विजयवाड़ा को 10 लाख की जनसंख्या, मैसूर को 3 से 10 लाख, नई दिल्ली का 1 से 3 लाख की आबादी में, ग्रेटर मुंबई को 1 से 1.25 लाख की आबादी के लिए स्वच्छता अवार्ड दिया गया। इसी के साथ 4 टॉप राज्य के लिए झारखंड के पाकोड़ को पहला स्थान, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और हैदराबाद को अवार्ड दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं 2 महापुरुषों को मानता हूं, एक महात्मा गांधी जिनके बारे में मैंने पढ़ा है और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम ने स्वच्छता में इंदौर को अव्वल और भोपाल को दूसरे नंबर पर आने पर सभी को बधाइयां दी और कहा कि हमारा प्रदेश कभी बीमारू प्रदेश होता था, लेकिन आज पूरे प्रदेश में खुशहाली है। साथ ही सीएम ने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सीएम शिवराज ने अंत में सभी से भारत माता, अहिल्या माता और नर्मदा मैया के जयकारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा दिया। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी जय बुलवा दिया। लोकसभा स्पीकर और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने अपने भाषण में इंदौर में हुए विकास कार्यों की सराहना की और स्वच्छता पर बात करते हुए पुरानी यादों को भी ताजा किया। ताई ने कहा कि विदेशों में मेरा सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं स्वच्छता में नंबर वन आने वाले शहर में रहती हूँ। उन्होंने पीएम और सीएम की भी तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक संभाला और संभालते ही इंदौर की जनता की ओर नजरें घुमाई और कहा कि पहले तो मैं इंदौर आता था, किंतु आज मुझे यहाँ आना पड़ा।
उन्होंने इंदौर वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर की सफलता का इतिहास जन भागीदारी की सफलता का इतिहास है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ को और पूरे निगम को बधाई दी, साथ ही देवी अहिल्या को याद भी किया। पीएम ने बताया कि हमने 2,20,000 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की है। इसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया। उन्होंने अपने भाषण में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के बारे में भी बात की। साथ ही पीएम ने बताया कि सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं बना रही है। रविवार को एक साथ 1,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया गया और पीएम ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हाउस लोन पर ब्याज दर कम करने का हवाला देते हुए मध्यम वर्ग के लिए अन्य योजनाएं बनाने की भी बात कही। और अंत में पीएम ने हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके इस बात को दोहराते हुए कहा कि हमने फ्लाइट्स की टिकट भी कम कर दी है। मोदी के शानदार भाषण के बाद इंदौर की जनता ने मोबाइल की लाइट जलाकर उनका अभिवादन किया। खराब मौसम के बावजूद मोदी को सुनने वालों की भीड़ जमकर उमड़ी थी। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।